Success comes to those who have an entire mountain of gold that they continually mine, and not to those who find one nugget and try to live on it forever. Hello and Namaskar. आज हम शुरू कर रहे हैं द रोड टू द इंटरव्यू, एक ऐसी श्रृंखला जिसके माध्यम से ऐसी पर्सनालिटीज हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जिन्होंने आरएएस परीक्षा के हर कठिन सोपान को बुलंद हौसलों के साथ चढ़ते हुए अपनी सफलता की जर्नी शुरू की. टुडे वी हैव विद अस अ वंडरफुल पर्सन, श्री मोहर सिंह मीणा, एन IITian फ्रॉम रुड़की, हु डिड नॉट स्टॉप देयर बट मेड इट टू द सिविल सर्विसेज विद 84th रैंक. Thank you, sir, for sharing your experience with us. My dear people, please subscribe to the channel. We have a lot more in store, and do like the video and share it. Sharing is caring. Over to you, sir. Namaskar, दोस्तों, मेरा नाम मोहर सिंह मीणा है. मैंने आरएएस परीक्षा 2016 में 84 स्थान हासिल किया था और मुझे आरएएस प्रॉपर मिला. आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हाल ही में आरएएस परीक्षा 2018 का मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ है, जिसमें मेरे कई साथी दोस्तों को इंटरव्यू कॉल हुई है. सबसे पहले उनको बधाई और शुभकामनाएं, और मैं उम्मीद करता हूं शायद ये वीडियो जिसमें मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, मे बी शायद आपके कुछ काम आए, कुछ मददगार साबित हो. सबसे पहले मैं अपनी प्रोफाइल बताना चाहूंगा जिससे आप लोग बेटर कनेक्ट कर पाए. मेरा नाम मोहर सिंह मीणा है. मेरे पिताजी खेती करते हैं. मैं गंगापुर सिटी तहसील से बिलोंग करता हूँ. मेरी स्कूलिंग सारी की सारी जयपुर से हुई है. उसके बाद मैंने बीटेक किया है IIT रुड़की से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में. फिर मैंने 3 साल मुंबई कस्टम्स में एज ए इंस्पेक्टर जॉब किया है, और जब मैंने इंटरव्यू फेस किया था उस वक्त मैं मुंबई कस्टम्स में एज ए इंस्पेक्टर काम करता था. ये तो मेरा इंट्रोडक्शन हो गया, मेरी प्रोफाइल हो गई. सबसे ज़्यादा फोकस हमको इंटरव्यू की अपनी तैयारी में अपनी प्रोफाइल पर करना है. आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, आपने ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा है, यदि जॉब किया है तो उस जॉब के बारे में, आप जिन जिन शहरों से बिलोंग करते हैं, या फिर आपने अब तक की अपने जीवन में जिन जिन शहरों में आप रहे हैं उन शहरों के बारे में आपकी जानकारी थोरो होनी चाहिए. आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं या फिर आपकी फैमिली परमानेंटली जिस जिले में रहती है उस जिले के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए. और ख़ास तौर पर जो लोग जॉब करते हैं उनको अपनी जॉब को बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि आप अगर अपनी जॉब के बारे में सब कुछ अच्छे से जानते हैं और तो ये दो बातें दिखाता है. एक तो ये कि आप जो भी जॉब करते हैं उसको पूरी मेहनत और लगन के साथ करते हैं और जागरूक होकर करते हैं. दूसरा ये कि इससे ये बात भी साबित होती है कि आपको जिस किसी भी आगे जॉब में अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप वहाँ पर भी पूरी मेहनत और लगन और ईमानदारी के साथ काम करेंगे. और सिविल सर्विस में जो अगर चाहिए तो सबसे ज़्यादा यही कि गरीब और असहाय लोगों की मदद करें, और इसलिए सिविल सर्वेंट्स को ख़ास तौर पर इस चीज़ इस पैरामीटर पे उनको उनका आकलन असेसमेंट किया जाता है कि आदमी किस हद तक नॉलेज रखता है, किस हद तक लोगों की सहायता कर सकता है. इंटरव्यू में मुझे 100 में से 70 मार्क्स मिले थे. मेरा बोर्ड जो है वो श्री शिव सिंह राठौर जी का था, और क्योंकि मैं उस वक्त कस्टम्स में जॉब करता था तो मुझसे मेनली जॉब के बारे में ज़्यादा सवाल पूछे गए थे. मैं दूसरे नंबर पर अपना इंटरव्यू आपके साथ शेयर करता हूँ. मैंने इंटरव्यू कक्ष में प्रवेश किया तो नमस्ते किया मैंने. फिर उसके बाद मुझसे सवाल किया गया कि आप क्या जॉब करते हैं. अभी वहाँ पर एक छोटी सी स्लिप जाती है जिसमें आपके बारे में आपका नाम, आपका ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा है और प्रेजेंट में आप क्या जॉब करते हैं. ये 2-3-4 छोटी छोटी चीज़ें, ज़्यादा नहीं, बहुत शॉर्ट में ये चीज़ें लिखी रहती हैं. तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप किस पद पर कार्यरत हैं. मैंने बताया कि मैं प्रिवेंटिव ऑफिसर के पोस्ट पर काम कर रहा हूँ अभी. तो उन्होंने कहा कि शिव सिंह राठौर जी ने सबसे पहले मुझसे सवाल किया कि किसानों की आय दुगनी करने की बातें चल रही हैं, आप बताइए किस तरीके से आप किसानों की आय दुगनी करेंगे. फिर उसके बाद में उन्होंने मुझसे पूछा कि आप मुंबई कस्टम्स में जॉब करते हैं. मैंने कहा हाँ सर. तो बोले कि वहाँ पर कस्टम्स की कुछ समस्याएं बताइए जिनको आप सुधार सकते हैं, या फिर और उनको सुधारने के लिए सुझाव भी दीजिए. फिर उसके बाद में मुझसे दूसरे मेंबर ने मेरे गृह जिले के बारे में, सवाई माधोपुर के बारे में पूछा, वहाँ का क्या फेमस है, कौन से मिनरल्स वहाँ मिलते हैं. फिर तीसरे मेंबर के पास गई बात तो उन्होंने मुझसे राजस्थान की इकोनॉमी के बारे में सवाल किए कि राजस्थान में इकोनॉमिक पोटेंशियल किस क्षेत्र में ज़्यादा है और आप किस तरीके से यहाँ की इकोनॉमी को और बेहतर बना सकते हो. फिर उसके बाद मुंबई के बारे में मुझसे सवाल किए गए कि मुंबई में जितना क्राइम और माफिया गैंग ये सब हम
अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, क्या उतना वाकई है? फिर उसके बाद मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल क्यों कहते हैं और क्या कहते हैं ये सब? और फिर उसके बाद स्मगलिंग की एक समस्या है जो हम आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं, तो आप जरा सा बताइए हमको कि कस्टम्स में स्मगलिंग को लेकर के क्या समस्या है, क्यों स्मगलिंग इतना ज़्यादा होता है, गोल्ड के ऊपर कितनी परसेंट कस्टम्स ड्यूटी है, अगर कोई फॉरेनर खूब सारा सोना पहनकर आ जाता है घूमने के लिए इंडिया में, तो अब उसके साथ क्या किया जाए? या तो उसका सोना ले लिया जाए या फिर उसका ड्यूटी लगाया जाए, तो ऐसे में आप क्या करते हैं ये पूछा गया। आखिरी में फिर मेरे से पापा शिव सिंह राठौड़ जी ने मेरे से दो सवाल पूछे कि आप लोकल भाषा जानते हैं, तो राजस्थान की किसी भी लोकल भाषा में आप 2 मिनट तक एक स्पीच दीजिए। स्पीच में आपको बोलना ये है कि मान लीजिए आप एक स्कूल में हैं, प्राइमरी स्कूल में, जहाँ छोटे बच्चे हैं, उनको आपको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करना है और पेंसिल को एज ए सिंबल अपने स्पीच में इस्तेमाल करना है और आपको लोकल भाषा में बोलना है। ये मेरा इंटरव्यू था और आखिरी सवाल ये था कि जब आप पेंसिल को देखते हो तो आपके मन में एक शब्द में जवाब दीजिए कि आपके मन में क्या सबसे पहले आता है। ये तो था दोस्तों मेरा इंटरव्यू। अब मैं आपको बता दूं कि मेरे से जॉब से रिलेटेड और मेरा शहर जॉब का शहर था मुंबई, तो दोनों से रिलेटेड मेरे से काफ़ी सवाल पूछे। इससे मुझे ये लगता है कि जो लोग जॉब करते हैं उनका जॉब से रिलेटेड सवाल काफ़ी पूछे जाएंगे। अब मैं उस बिंदु पे आता हूँ कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि जिन सवालों का हम कॉन्फिडेंटली जवाब नहीं जानते हों या फिर हमको अंदर से संदेह हो कि शायद हमारा सवाल का जवाब गलत है, उन पर हम बेहतर होगा कि हम मना कर दें कि साहब मैं माफ़ी चाहूँगा कि मुझे इस सवाल का जवाब नहीं आता है, क्योंकि पर्सनालिटी टेस्ट होता है इंटरव्यू, उसमें आपकी पर्सनालिटी ज़्यादा मैटर करती है बजाय आप क्या जवाब दे रहे हैं। वो जवाब अगर आप 10 में से 4 सवालों का जवाब नहीं भी देंगे, आप पोलाइटली अगर मना कर देते हैं, तो उससे कुछ भी गलत नहीं है उसमें। 10 में से 6 सवालों का जवाब जवाब मैटर ये करता है कि आप अगर जवाब देते हैं तो वो किस क्वालिटी का है। और दूसरी बात, अगर कहीं आप ऐसा तो नहीं कि जवाब नहीं आता है फिर भी आप गलत जवाब दे रहे हैं, इन चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है। दूसरा, जहाँ तक संभव हो हमें हिंदी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आरएएस में ज़्यादातर उनकी यही उम्मीद रहती है कि आप हिंदी को अच्छे से जानें और उसमें संवाद करने में सहज तरीके से आप इतना अनुभव आपको हो भाषा का कि आप सहज तरह से उसमें संवाद कर सकें, क्योंकि ज़्यादातर राजस्थान की जो जनसंख्या है वो ग्रामीण एरिया में रहती है और वो लोग अंग्रेजी तो बिल्कुल भी नहीं बोल पाएंगे, हिंदी में भी प्रॉपर वो, लेकिन फिर भी आज इतने पढ़े लिखे तो हैं लोग के हिंदी को तो प्रॉपरली समझ पाते हैं, इसलिए वो हमसे उम्मीद करते हैं कि हम एक छोटी मोटी कोई लोकल भाषा भी समझें और हिंदी में ही खास तौर पर हम अपना इंटरव्यू दें। तो बीच बीच में अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि हमारा आज का लाइफ स्टाइल ऐसा है जिसमें हम थोड़े बहुत अंग्रेजी के संवाद अंग्रेजी की शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उसको कम से कम किया जाए, वो प्रैक्टिस से हो जाएगा। आप अगर मिरर प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 दोस्त मिलकर के अगर इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, करंट में जो चीज़ें चल रही हैं उन पर खास तौर पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जैसे अभी कोरोना है, बीमारी है, महामारी है, उसके बारे में, उसके क्या उपाय हो सकते हैं, हम कैसे बच सकते हैं, और इसके चलते हमारी इकोनॉमी पे भी बहुत प्रभाव पड़ा है, उससे रिलेटेड आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। उसके अलावा और कई ऐसी चीज़ें हैं जिन पे विशेष तौर पर ध्यान देना है, जैसे हमारा बैठने का तरीका, हमारी नर्वसनेस, कहीं ऐसा नहीं हो कि हम कोई ऐसा काम कर रहे हो वहाँ नर्वसनेस में जो बहुत ही अजीब हो दिखने में। दूसरी बात, कॉन्फिडेंट रहें, अगर किसी सवाल का जवाब नहीं भी आता है तो पोलाइटली मना कर दें, हिंदी भाषा का इस्तेमाल करें, करंट और अपनी प्रोफाइल को अच्छे से तैयार करें, जो लोग जॉब करते हैं वो जॉब के बारे में अच्छे से तैयार करें। धन्यवाद।